हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और हम बात करने वाले हैं हिंडाल्को के बारे में। आज की इसकी जो क्लोजिंग है वो ही है 600 के आसपास। लार्ज कैप कंपनी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है, और जिन लोगों ने यहाँ पे शेयर होल्डिंग रखी है अपने पोर्टफोलियो में, उन्होंने क्या करना चाहिए, और जो नए निवेशक हैं उनको अगर बाय करना चाहिए तो कौन से ऐसे लेवल हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ हम बात करेंगे न्यूज़ और चार्ट एनालिसिस की भी। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, रशिया और यूक्रेन का वॉर का जो टेंशन चल रहा है, रशिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और उसका ही बेनिफिट यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज को होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर रशिया पे यहाँ पे सैंक्शन लगता है तो यूरोपियन कंट्री जितना भी इंपोर्ट करती थी रशिया से, वो अभी नहीं कर पाएगी, और उसी का बेनिफिट मिलेगा इंडियन कंपनीज को जो कि स्टील प्रोडक्शन करती हैं। तो देखिए, यहाँ पे न्यूज है 2 मार्च की, आज की, जहाँ पे इन्होंने बताया कि इंडिया सीज हायर यूरोपियन स्टील एक्सपोर्ट कॉस्ट प्रेशर। तो यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है हमारे इंडिया की तरफ से यूरोपियन कंट्रीज में होते हुए दिखाई दे सकता है। और उसी के साथ 25 फेब की न्यूज़ है, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि सैंक्शन में बूस्ट लोकल स्टील इंजीनियरिंग गुड्स एंड स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज। तो देखिए, जो यहाँ पे वॉर का टेंशन है, निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी यहाँ पे चल रही हैं, जो कि स्टील सेक्टर और उसी के साथ बाकी के जो सेक्टर है उनको यहाँ पे बेनिफिट होते हुए दिखाई दे सकता है। और उसी के साथ अगर हम 8 फेब की न्यूज़ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे जो टाटा स्टील के एमडी है, उन्होंने कहा है कि स्टील इंडस्ट्री कैन लीड द वे इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल इन इंडिया। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है सारे स्टील सेक्टर के लिए। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक जो स्टील सेक्टर से बिलोंग करता है और जिसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो उसमें जरूर बने रहिएगा। अब हम बात करते हैं इसके टेक्निकल चार्ट एनालिसिस के बारे में। तो यहाँ पे मैंने इसका डेली चार्ट ओपन किया है। तो डेली चार्ट में यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, जो कि यहाँ पे कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर यहाँ पे क्रिएट कर रही थी, कल ही इसने इसका जो ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत ही अच्छा ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाया है, और आज की जो कैंडल है वो भी यहाँ पे ग्रीन हुई है, और क्लोजिंग जो है 600 के आसपास यहाँ पे दी गई है। अब हमें एज अ शेयर होल्डर यहाँ पे क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपके पास ये जो स्टॉक है नीचे के लेवल पे है, तो यहाँ पे बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न में यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दिया है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए, इसने एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, उसके बाद रेजिस्टेंस से फिर से नीचे की तरफ आते हुए दूसरा छोटा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन किया, जो कि बनता है कप एंड हैंडल का पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न ये बुलिश इंडिकेटर है, जो कि जैसे ही इसकी जो नेकलाइन है इसका ब्रेकआउट देता है, तो उसके बाद बहुत बड़ी अपसाइड यहाँ पे निकल के आती है। अब अगर हम यहाँ पे दूसरे सपोर्ट की अगर बात करते हैं, तो देखिए, ये जो दूसरी सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाई है, कंटिन्यूसली सपोर्ट का यहाँ पे काम कर रही है। जितनी बार स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है, सपोर्ट को टच करके यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाउंस देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और उसी के साथ ये 20 मूविंग एवरेज का भी सहारा लेते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छा मोमेंटम बना है, वॉल्यूम भी यहाँ पे बायर्स का बहुत ज़्यादा आया है, जो कि बहुत स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ पे स्टॉक में। अब यहाँ पे आगे क्या हो सकता है? तो देखिए, जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होता है, तो उसके बाद चांसेस ये होते हैं कि इतने अच्छे रैली देने के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है, या तो फिर यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट होता है उसका रीटेस्ट होता है। तो अगर ये रीटेस्ट होता है, तो ये फिर से जो हमारे लेवल है 550 के आसपास आने के चांसेस हैं, जो कि यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है, अब ये काम करेगा सपोर्ट का। मतलब अगर ये जो स्टॉक यहाँ से फिसलते हुए नीचे भी आता है, तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट है यहाँ से फिर से बाउंस देते हुए फिर से आगे की तरफ अपट्रेंड की रैली जो है ये कंटिन्यू कर सकता है। अब यहाँ पे जो नए निवेशक हैं उन्होंने क्या करना चाहिए? तो अगर ये स्टॉक आपको 550 के आसपास, या तो फिर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही इसके बीच में इस रीजन में अगर मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो जाएगी नए निवेशकों के लिए। और अगर जो पुरानी शेयर होल्डर हैं, उन्होंने तो यहाँ पे अभी कोई चिंता करने की बात ही नहीं है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इस स्टॉक में बने रही है, और ये आने वाले सालों में आपको बहुत ही अच्छा मल्टीफोल्ड रिटर्न देने की क्षमता रखता है। तो आई होप इस वीडियो में जितनी भी बातें हमने कवर की हैं, टेक्निकल चार्ट एनालिसिस और उसी के साथ न्यूज़ अपडेट, आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़रूर वैल्यू ऐड किया होगा। और अगर ऐसी बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।